नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवा। और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि एक तस्वीर के जरिए हम तक आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कैप्टन और सिद्धू एक साथ दिखाई दिए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अब सब कुछ दरअसल ठीक हो चुका है। सिद्धू और कैप्टन के बीच जो अनबन थी वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए अब साफ हो रहा है कि चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी पहले थी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक कैप्टन उनके अध्यक्ष पद स्वीकार करने और दफ्तर तक पहुंचने वाली जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस बीच वो तस्वीर जो अब काफी हद तक स्थिति स्पष्ट कर रही है, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पहली बार दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में टी पार्टी में दोनों नेता एक साथ दिखे और ये टी पार्टी दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आयोजित की थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू करते हुए दिखाई दिए। हालांकि आधा घंटे ही उनकी वहां पर उपस्थिति रही, उसके बाद वो वहां से चले गए। दोनों पास पास बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दिए। आज सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होनी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने समारोह के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर अपने आप में कई तरह से इसका विश्लेषण किया जाएगा, कई तरह से इसे देखा और परखा जाएगा, लेकिन सवाल तो ये बरकरार रहेगा कि अभी बीते कुछ दिनों तक भी जिस तरह की तल्खियां बयानों में दिखी थी, जो आरोप एक दूसरे पर लगाए गए थे, उन सब के बीच क्या दिल मिल जाएंगे? मीनाक्षी, दिलचस्प ये भी होगा कि क्या वाकई टी पार्टी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके अध्यक्ष पद को संभालने के मौके पर उपस्थित रहेंगे या नहीं, क्योंकि ये दरअसल दोनों तरफ से मेल मिलाप की कोशिश की जा रही है। उसकी पहला कदम उसका ये माने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखा, उन्होंने चाय पर न्योता भेजा, नवजोत सिंह सिद्धू ने उसे माना और वहां पर वो पहुंचे। एक कर्टेसी कॉल भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आज बेहद अहम और बड़ा दिन है नवजोत सिंह सिद्धू के लिहाज से, क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं और 58 विधायक भी निमंत्रण पत्र पर दस्तखत कर चुके हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी मीनाक्षी की, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के गोल्डन मंदिर पहुंचे थे 60 से ज्यादा विधायकों के साथ। एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था और आज भी ऐसा कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह भी ऐसा ही कुछ शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर, जैसा कि आपने कहा, कि कई राजनीतिक मायनों को जन्म देती है, इसका विश्लेषण किया जाएगा। मुमकिन सी बात है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जब तक माफी नहीं मांगते हैं किसी भी तरीके से तल्खियां दूर नहीं होंगी। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या माने ये जो तस्वीर कैप्टन और सिद्धू की एक साथ आई है पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू के, ये अपने आप में कई मैसेजेस, कई अहम संदेश दे रही है, लेकिन साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब सब कुछ ठीक ठाक है, कैप्टन मान गए हैं, या फिर ये महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, एक राजनीतिक संदेश है ये जताने के लिए कि आज चूंकि एक बेहद अहम मौका है सिद्धू के, तो ऐसे में उसमें किसी तरीके का कोई खलल ना आए, ये कोशिश की जा रही है कैप्टन की ओर से। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले बता दूं कि आज जो ये चाय पार्टी रखी गई है, दरअसल ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते थे ना नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे। ये चाय पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान के आदेश पर रखी गई थी और इस चाय पार्टी का मकसद एक तस्वीर दिखाना था और उस तस्वीर में ये दिखाना था कि कांग्रेस पार्टी दो धड़ों से एक धड़े में सिमट चुकी है और अब कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, काफिला निकल रहा है और ये काफिला उसी चाय पार्टी से निकल रहा है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों एक साथ थे और वहां से एक तस्वीर निकल कर आई है। उस तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि एक तस्वीर जारी करने से क्या पंजाब की हाथ स्थिति बदल सकती है? क्या एक तस्वीर दिखाने से, ये दिखाते हुए कि दोनों के हाथ मिल गए हैं, क्या ये दावा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों के दिल भी मिले रहेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं और ये मैं जैसा कि अभी आपको बताया, ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक तस्वीर दिखाने के लिए की गई थी। ये जो वाहनों का काफिला आप देख रहे हैं
ऐसी तस्वीरें अमूमन जब आती है जब नया मुख्यमंत्री बनता है, नई सरकार बनती है या सरकार में तोड़फोड़ होती है, इस तरह की तस्वीरें तब आती है। कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू संख्या बल दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मेरे साथ 62 विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 58 विधायकों का समर्थन हासिल है। मेरे को सिर्फ एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट लगाने के लिए विधायकों की समर्थन की जरूरत कब से पड़ने लगी? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको संख्या बल क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्या आप राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो काफिला है जो अभी भी ये बता रहा है कि पंजाब की राजनीति में भले ही तस्वीर आ गई है और उस तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो संदेश है अभी यहाँ पर, मीनाक्षी जब हम पहली बार बात कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक आ गए थे, हाथों में फोटो ले रखी थी और उस फोटो में ये कह रहे थे कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष नहीं मानते, हमारे नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह है। जब इस तरह लौटेंगे आपके पास अतेंद्र और जानकारी के लिए, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन देखना होगा नया कि आगे आने वाला समय कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के लिए चुनावों से पहले कैसा रहता है। लौटेंगे ब्रेक के बाद।